और इस कर्नाटक में थोड़ा दिन से ये लोग क्रिश्चियन से क्रिश्चियन लोग मिशनरी लोग क्रिश्चियन कर रहे हैं बोलकर जो आरोप लगाया वो खंडनीय है। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाई SS पारा शॉपिंग मॉल नियर अंबेडकर सर्कल मेन रोड हुमनाबाद MI शोरूम ऑल टाइप्स ऑफ MI प्रोडक्ट्स अवेलेबल अपोजिट डेंटल हॉस्पिटल हुमनाबाद न्यू लाइफ डायग्नोस्टिक सेंटर गादा कॉम्प्लेक्स नियर IB हुमनाबाद A2Z कंस्ट्रक्शन नियर मेराज होटल कल्लूर रोड हुमनाबाद मैरिज ब्यूरो ऑफिस बिसाइड गवर्नमेंट हॉस्पिटल नूर खान अखाड़ा। हेलो एंड वेलकम टू हुमनाबाद टाइम्स। कर्नाटक स्टेट बिदर जिले के हुमनाबाद तालुके के बोरमपल्ली गांव में ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ने मीडिया के जरिए नशरियात के दौरान क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया। इसको देखते हुए कई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने आज हुमनाबाद में प्रोटेस्ट रैली की और तहसीलदार के जरिए कर्नाटक CM बसवराज बोम्मई से मुतालबा किया कि जो लोग झूठ फैला रहे हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और अगर जल्द कार्रवाई नहीं की जाएगी तो 2 तारीख के दिन बिदर में बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अखिल भारती क्रिश्चियन महासभा संजू कुमार दुड्डमणि वाइस प्रेसिडेंट यशुदास बी रोहन आर चिटनल्ली तालुका प्रेसिडेंट हुमनाबाद विशाल मंठालकर तालुका वाइस प्रेसिडेंट हुमनाबाद श्रीनिवास हलगे जनरल सेक्रेटरी हुमनाबाद के अलावा कई लोग मौजूद थे। बोरमपल्ली के गांव में एक झूठा आरोप, ये लोग कन्वर्ट हो रहा है बोलकर एक चैनल में, वो कौन सा चैनल मेरे को भी पता नहीं, एक चैनल में बोला बोलकर ऐसा है। और इस देश में इस वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी का हर लोग अपना अपना काम और अपना अपना धंधा और शांति, हर लोग कहीं भी गड़बड़ी करे सो नहीं है। और इस कर्नाटक में थोड़ा दिन से ये लोग क्रिश्चियन से क्रिश्चियन लोग मिशनरी लोग क्रिश्चियन कर रहे हैं बोलकर जो आरोप लगाया वो खंडनीय है, वो झूठ है। और ये नाड़ में बीदर में ऐसा कोई नहीं करेगा क्योंकि मसीहा बहुत बड़ा है और उनके याद करने वाला खुद तैयार होके जिसको अच्छा होता है जिसका प्रेयर का दिमाग आता वो आशीर्वाद के लिए कोई भी जाता है। ये प्रजा प्रभुत्व है, हाँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है हिंदुस्तान में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी दिया हमको, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक को अधिकार है, कोई किसी धर्म को प्रचार कर सकता है, कोई किसी धर्म का सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन कोई मशीनरी लोग क्रिश्चियन कर रहा नहीं, ये झूठ आरोप है। इसलिए वैसे जो ये क्रिश्चियन के ऊपर, पास्टर के ऊपर और चर्च के ऊपर जो हमला करें उन लोगों को तुरंत पकड़ के उनके ऊपर कानून के जरिए से एक्शन लेके ये समाज को जस्टिस मिलने के लिए हम ये मूवमेंट हुमनाबाद में सब मिलके बहुत शांत से, बहुत कोई गड़बड़ी नहीं है और सीधा से आके तहसीलदार को देके CM को इस राज्य के बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री जी को मेमोरेंडम दिए तुरंत एक्शन लो। अगर नहीं लेते हैं तो 2 तारीख को बिदर में बहुत बड़ा प्रतिभटन है, उसमें और बड़ा होराट हो जाते हैं, मूवमेंट हो जाते हैं। ये मूवमेंट को करने का मौका मत दो बोलकर हम इस अवसर पर सरकार को अपील करते हैं। स्नेहितरे हिरीयरे बृहत् मेरवणिग अंगवागि नानु केलवोंदु विचारवन्नु मातनाडलु इष्टपडुत्तेने। बृहत् मट्टद मेरवणिगे बंदिरुवंत जिल्ला अध्यक्षरन्नु वंदिसुत्ता, राज्याध्यक्षरन्नु वंदिसुत्ता, एल्ल युवनस्थरन्नु वंदिसुत्ता,
ಹಿರಿಯರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಾಯಕರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಸಭಾ ಪಾಲಕರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಉಳ್ಳವರು, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಗೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವವರಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯೌನಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖ, ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಇದರ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ವಿರುದ್ಧ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೋರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ನಮ್ಮದು ಎರಡು ಮನೆ. ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳು ಹೋಗಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನವನ್ನು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀಚ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೂ ಬಹಳ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ